ओके, तो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड सोर्स फ्री सीरीज आरएलसी सर्किट। ओके, सेकंड ऑर्डर सिस्टम हमने चालू कर दिया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि बेसिकली दो केसेस पड़ेंगे हम, एक तो सीरीज आरएलसी और पैरेलल आरएलसी। ओके, अब सीरीज आरएलसी के अंदर हमने सीरीज आरएलसी पहले चालू किया है। सीरीज आरएलसी के अंदर हम बेसिकली दो केस ले सकते हैं, तो सोर्स फ्री अगर हमारा इनपुट इंडिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स नहीं गिवन हो, दैट मीन्स जो आउटपुट रेस्पॉन्स आएगा वो सोर्स फ्री आएगा। फिर दूसरा हम रखेंगे आपका फोर्स रेस्पॉन्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर सोर्स फ्री सीरीज आरएलसी सर्किट चालू कर दिया था। ठीक है, तो ये केस पढ़ा था हमने, दिस सीरीज आरएलसी सर्किट। हमने डेरिवेशन की थी। ओके, अब हमने देखे थे इसमें तीन केसेस, तीन रेस्पॉन्स आती हैं आउटपुट इसकी। ठीक है, अब आप आउटपुट आई के रेस्पॉन्स में भी निकाल सकते हो, वी के रेस्पॉन्स में निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, बट हमने देखा था कि सोर्स फ्री सीरीज आरएलसी सर्किट के तीन रेस्पॉन्स हो सकती हैं। कौन कौन सी हमने पढ़ा था? अंडर डैम, अल्फा और ओमेगा नॉट, हमने दो क्वांटिटी पढ़ी थी। ठीक है, अल्फा बेसिकली हमारी क्या थी? आर अपॉन 2L। जब भी एक सीरीज सर्किट निकला था हमेशा अल्फा निकालना है, ये नेपियर फ्रीक्वेंसी थी, हमने पढ़ा था पिछले क्लास के अंदर। ओके, फिर दूसरा ओमेगा नॉट, ये हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अनडैम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या फिर हम इसे कहते हैं हम आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो कि कैसे निकलती है? 1/√LC। ठीक है, डेरिवेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, 1/√LC ओमेगा नॉट इज। अब अगर हमने तीन केस पढ़े थे, अगर अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, ओके, अगर आपको याद होगा तो ये चीज हमने डिराइव की थी यहाँ पे। दिस दो रूट्स निकले थे, S1 और S2, जिसको आप इसको याद मत रखो, आप रखो इसको याद। क्वेश्चन नंबर 10, S1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। सिमिलरली जो सेकंड रूट है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, तो दो रूट आने जरूरी है। ठीक है, माइनस अल्फा माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर। ओके, अब इसके अंदर हम जानते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी है, R/2L, ओमेगा नॉट 1/√LC, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर अल्फा की वैल्यू ओमेगा नॉट स्क्वायर से बड़ी है, तो हमारी जो रेस्पॉन्स आएगी वो आएगी ओवर डैम्प्ड, हम देख चुके हैं। और हमारे जो रूट्स आएंगे, अब अल्फा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर से बड़ा है, तो रूट ऑफ ये इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? बेसिकली पॉजिटिव, तो रूट ऑफ पॉजिटिव। तो हमारे जो रूट अगर रियल हैं, S1 और S2 क्या है? रियल हैं, और एज वेल एज दोनों डिफरेंट है, तो हमारी जो रेस्पॉन्स होगी वो कौन सी होगी? ओवर डैम, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरा केस अल्फा बराबर ओमेगा नॉट, तो उस केस के अंदर हमारे जो रूट्स हैं वो रियल होंगे बट इक्वल होंगे, S1 और S2 क्या होंगे? इक्वल। ठीक है, तब हमारी जो रेस्पॉन्स होगी वो क्या होगी? क्रिटिकली डैम्प्ड। ओके, थर्ड केस में क्या हो जाता है? अल्फा इज लेस देन ओमेगा नॉट, तो उस केस में ये वाला रूट के नीचे है, ये नेगेटिव टर्म आ जाएगा, तो रूट ऑफ I1 बेसिकली क्या हो जाएगा? हमारा कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो जब हमारे रूट क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे, तब हमारी कौन सी रेस्पॉन्स होगी? अंडर डैम। और तीनों के लिए अलग अलग आउटपुट आएगा। तो देखो ये हमने कैलकुलेट किया था, अगर जब भी ओवर डैम्प्ड होगा तो उस केस के अंदर आपको ये निकालना है, व्हाट इज आई टी? आई टी इज अवर सीरीज करंट इन दैट सर्किट। ओके, तो A1 e की पावर S1T, S1 हमारा पहला रूट, S2 हमारा सेकेंड रूट। ओके, A1, तो ये वाले में सिर्फ मुझे क्या निकालना है? A1 और A2 निकालना है, जो कि इनिशियल कंडीशन से आराम से आ जाएंगे। ओके, नाउ दूसरा, अगर क्रिटिकली डैम्प्ड होगा तो हमें क्या याद रखना है? ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, ये बस, A2 + A1T e की पावर माइनस अल्फा टी, अल्फा हमें जो पता है, और टी हम कैलकुलेट कर लेंगे, A1 और सॉरी A2 और A1 हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये कब इक्वेशन लगानी है? क्रिटिकली डैम के लिए। ठीक है, थर्ड थर्ड कौन सी थी हमारी? अंडर डैम। अंडर डैम के लिए ये इक्वेशन याद रखनी है आपको, e की पावर माइनस अल्फा टी B1 cos ωdt + B2 sin ωdt। अब B1 क्या है? B1 है हमारा A1 + A2, और B2 क्या है? A1 - A2, तो वो याद रखने की जरूरत नहीं, हम B1 B2 डायरेक्ट निकालेंगे इनिशियल कंडीशन से। ठीक है, अल्फा हम जानते हैं R/2L होता है, व्हाट इज ओमेगा डी?
ओमेगा नॉट तो हमारी क्या थी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी या फिर अनडैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी या फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी। ओमेगा डी है हमारी डैम्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओमेगा डी की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा डी की वैल्यू है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, ठीक है ये याद रखना है आपको। तो ये चीजें हम पिछले क्लास में देख चुके हैं, तो आपको ये याद रखना है। अब कॉन्क्लूजन में हमने कर लिया था, अब हमें सिर्फ सिंपल क्या करना है, एग्जाम्पल करना। ओके लेट्स स्टार्ट, हम इस पे दो एग्जाम्पल करेंगे। अगर किसी को डाउट है प्रीवियस क्लास के अंदर कुछ भी पढ़ा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी एग्जाम्पल कर लेते हैं अभी। ओके देखो अब ये फिगर है, आप देख लीजिए, आर एल सी सीरीज सर्किट है, नो डाउट तो ये हमें पता है सीरीज सर्किट है। आर एल सी दो स्टोरिंग एलिमेंट्स है, एनर्जी स्टोरिंग, तो ये सेकेंड ऑर्डर होगा। और दूसरी बात, ये सोर्स फ्री है या फिर फोर्स फोर्स रेस्पॉन्स वाला आएगा, ये सोर्स फ्री है। देखो कोई भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स नहीं है, ये सोर्स फ्री सर्किट है। अब इसने पूछा है, इसने कहा है आर इज इक्वल टू 40 ओम, दिस इज माई 40 ओम, एल इज इक्वल टू 400, दिस इज माई 400, सी इज इक्वल टू 1/4 फेराइड, ये दे रखा है। कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द सर्किट, इज द नेचुरल रिस्पॉन्स ओवरडैम अंडरडैम और क्रिटिकली डैम, ये पता करना है। तो सबसे पहले देखो आपको जैसा ही सर्किट है अल्फा निकाल लो और ओमेगा नोड निकाल लो। सबसे पहली बात अल्फा क्या है, आर बाई टू एल, देखो ये हम देख चुके हैं आर बाई टू एल, तो आर कितना है 40, 2L, तो अल्फा कितना आया 5। ओके फिर ओमेगा नोड निकाल लो, ओमेगा नोड क्या थी 1/√LC, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 इनटू दिस, वो कितना है 1। तो अब मुझे बताओ अल्फा और ओमेगा नॉट में बड़ा क्या है, अल्फा बड़ा है, तो अल्फा इज माई ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, मतलब ओवर डैम्ड है या अंडर डैम्ड है या क्रिटिकली डैम्ड है। अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट में हमारा क्या दे रखा था हमने, ओवर डैम्ड, तो ये तो आंसर आ गया ओवर डैम्ड, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने याद रखी थी जो रूट्स हैं उन्हीं को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं हम, ये वाले जिसमें इसको याद रखो आपको बस डायरेक्ट जो मैंने याद हाईलाइट कर रखे हैं उनको याद रखना है आपको, वो मैंने यहाँ लिख रखा दिस वन, एस वन इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। अब ये प्लस है ये माइनस है, तो आप एक इक्वेशन याद रख सकते हो, प्लस माइनस दो रूट हो जाएंगे, ठीक है वो इक्वेशन में हमने डायरेक्ट लिख रखा है, ये देखिए। ओके एस वन टू मतलब दो रूट्स हैं हमारे 1 और 2। अब माइनस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस, ये हमको याद रखना है। तो अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ओमेगा नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, बस इसमें पुट करिए एस वन की वैल्यू आ जाएगी दिस, जब प्लस किया है और जब माइनस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो दिस आर माई कैरेक्टरिस्टिक रूट, और ये भी याद आ गया ओवर डैम या अंडर डैम में क्या, ठीक है। तो एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके ऊपर सोर्स फ्री सर्किट के अंदर डबल। चलो और इससे भी पता सकते हो, अगर आप अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नोट से अगर पता नहीं करना चाहिए कि ओवर डैम अंडर डैम है, तो आप इससे भी पता कर सकते हो मेरे रूट क्या है, रियल है देखो और डिफरेंट है, तो रियल और डिफरेंट रूट किस में आते हैं, ओवर डैम केस के अंदर, ठीक है। और ये रियल थे बट अगर दोनों इक्वल आ जाते तो कौन सा हो जाता, क्रिटिकली डैम, और अगर इमेजिनरी आ जाता तो हमारा अंडर डैम, ठीक है। नाउ लेट ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसको ढंग से समझना, इसे तब क्वेश्चन नहीं बनने वाला आपका सेकंड ऑर्डर सोर्स फ्री सर्किट के, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि फॉर आई फाइंड आई टी, ये आई टी पूछा है, मतलब इसकी आई टी इक्वेशन पूछी है, इन द सर्किट ऑफ फिगर अज्यूम दैट द सर्किट हैज रीच स्टडी स्टेट एट टी इज इक्वल टू जीरो माइनस, यानी टी जीरो माइनस का मतलब टी लेस देन जीरो पे स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट का मतलब ध्यान रखने वाली चीजें है फिर से, स्टेडी स्टेट का मतलब कैपेसिटर ओपन सर्किट इंडक्टर शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। टी लेस देन जीरो, अब टी लेस देन जीरो का मतलब क्या है, ये टी इज इक्वल टू जीरो पे या फिर टी ग्रेटर देन जीरो पे सर्किट को ओपन किया है, यानी टी लेस देन जीरो पे ये क्या रहा होगा, क्लोज्ड। तो देखो टी लेस देन पे मैंने ये सर्किट बनाया है 10 वोल्ट, ये क्लोज था नो डाउट, और दूसरा ये कैपेसिटर
टी लेस देन जीरो पे, यानी स्टडी स्टेट, इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टडी स्टेट रीच कर चुका है, यानी क्या रहेगा, ओपन सर्किट, तो ये ओपन सर्किट कर दो, तो यहाँ से ये ओपन सर्किट हो गया। दूसरा इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, सिर्फ 6 ओम बचेगा, देखो ये 6 ओम बचा, ये मैंने इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, इनिशियल कंडीशन से आप क्या निकालना चाहते हो, ये याद रखना, हमें करंट निकालना है इंडक्टर के थ्रू, क्योंकि करंट तुरंत चेंज नहीं होता, और दूसरी चीज क्या निकालनी है, वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है। तो अब आप इस फिगर से देख सकते हो, ये प्लस माइनस, इसमें करंट तो जाएगा ही नहीं, प्लस माइनस, यानी ये यहां से लेके यहां तक वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज किसके अक्रॉस वोल्टेज होगी, 6 ओम के अक्रॉस, तो देखो मैंने प्लस माइनस वी 6 ओम के अक्रॉस लगा दी, और इसके अंदर जो करंट होगा 6 ओम के अंदर, वही क्या होगा मेरा, इंडक्टर के थ्रू करंट, इनिशियली करंट, बस वही निकालना है। तो टी लेस देन जीरो से हमेशा याद रखना इनिशियल कंडीशन निकलती है, ओके। तो इनिशियल कंडीशन में सबसे पहले हम आई जीरो निकाल लेते हैं, आई जीरो मतलब टी लेस देन जीरो पे सर्किट पे करंट क्या फ्लो कर रहा होगा स्टडी स्टेट पे, तो सिंपल है, 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 10, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था, यानी आई जीरो माइनस क्या रहा होगा, इनिशियल करंट 1 एम्पियर, यही किसके बराबर होगा, आई जीरो प्लस इंडक्टर के थ्रू करंट, क्योंकि करंट इंडक्टर के थ्रू तुरंत चेंज नहीं होता, ठीक है, ये तो निकल गया। अब हमें क्या निकालनी है, वोल्टेज इसके अक्रॉस, अब ये वोल्टेज किसके अक्रॉस होगी, 6 ओम के अक्रॉस, देखो क्योंकि ये तो ओपन सर्किट हो गया था यहाँ पे, तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज किसके अक्रॉस होगी, 6 ओम के अक्रॉस, तो 6 ओम के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है आपका, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इंटू 6 ओम, तो आई इंटू आर क्या होगा, 6 वोल्ट, तो ये देखो, यानी हमने इनिशियल कंडीशन से, आप रख लो चाहे सिंगल ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सर्किट करो या सेकंड ऑर्डर करो, हमेशा इनिशियल कंडीशन निकालनी है। इनिशियल कंडीशन का मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और करंट थ्रू इंडक्टर, तो इनिशियल कंडीशन यानी टी लेस देन जीरो से इनिशियल कंडीशन निकलेगी, तो ये हमारा कितना आ गया, 6 वोल्ट, ओके। नाउ अब मुझे कैलकुलेट तो कब क्या करना है, आई टी की वैल्यू टी ग्रेटर देन जीरो के लिए, टी ग्रेटर देन जीरो में क्या किया है, देखो इस सर्किट के अंदर, इस सर्किट को यहां से स्विच ओपन हो गया, तो यानी ये वाला पार्ट तो हट गया, तो मेरे पास यही बचा सिर्फ, तो देखो इसके अंदर ये कैपेसिटर 0.024 फैराड, और ये 6, अब मुझे बताओ अब ये की सीरीज सर्किट बन गया, और 6 और 3 किसमें रहेंगे, सीरीज में, तो 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9 ओम, और 0.5 हेनरी, तो देखो ये सर्किट बन गया एक सीरीज आरएलसी सर्किट, और वो फिर से कौन सा, सोर्स फ्री सर्किट बन गया, कोई सोर्स है ही नहीं, ठीक है। और इसका तो एनालाइज हम कर चुके हैं, हमें पता है ये देखो टी ग्रेटर देन जीरो के लिए सर्किट है, और इनिशियल वैल्यू पता है मुझे, यस इनिशियल वैल्यू वोल्टेज इसके अक्रॉस कितनी है, 6 वोल्ट, और इसमें इनिशियली करंट कितना जा रहा है, 1 एम्पियर, ये हम टी ग्रेटर देन जीरो से कैलकुलेट कर चुके हैं, ओके। नाउ अब मुझे क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले कैलकुलेट करना, आई टी निकालना है, तो आई टी निकालने के लिए किसके लिए निकालें, अंडर डैम के लिए निकालें, ओवर डैम के लिए निकालें, या फिर क्रिटिकली डैम, तो सबसे पहले मुझे अल्फा कैलकुलेट करनी है और ओमेगा नॉट कैलकुलेट करनी है। अल्फा क्या होती है, आर बाई टू एल, ओके, आर बाई टू एल, ओके, और ओमेगा नॉट क्या होता है हमारा, 1/√LC, यही डिसाइड करेगा कि मैं मेरा आउटपुट क्या आएगा, ओके। तो चलो अल्फा इज इक्वल टू आर बाई टू एल, ये निकल गया कितना आया, 9, और ओमेगा नॉट कितनी आई, 10। अब मुझे बताओ क्या है ये, बेसिकली ओमेगा नॉट इज, अल्फा इज लेस देन ओमेगा नॉट, ओके, तो कौन सी रेस्पॉन्स हुई है, थर्ड, कौन सी, अंडर डैम्ड, ओके, ठीक है, ये रूट्स निकल जाएंगे यहाँ से, माइनस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस, ये हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, ये रूट्स तो तीनों के लिए सेम आएंगे। अब मुझे बताओ 81 माइनस 100 करोगे तो ये इमेजिनरी आ जाएगा, 81 माइनस 100 कितना आ जाएगा आपका, 19, बट माइनस 1 का अंडर रूट क्या होता है, जे, ये याद रखना हमेशा, ये मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके हो, माइनस 1 को हम कॉम्प्लेक्स जे से डिनोट करते हैं, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो ये आ जाएगा, माइनस जे प्लस रूट 42, रूट 19 की वैल्यू कितनी होती है, 4.359, और रूट माइनस 1 को हमने किससे डिनोट कर दिया, जे से, तो हैंस अब डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो अल्फा और ओमेगा नॉट की जगह, देखो रूट्स क्या आ गए, इमेजिनरी, इमेजिनरी कौन से केस में होते हैं, होते हैं अंडर डैम, और अंडर डैम के केस में आई टी यानी करंट की वैल्यू क्या आती है, ये रही,
बस याद रखनी, e की पावर माइनस अल्फा टी, बी वन कॉस ओमेगा जी टी, बी टू साइन ओमेगा जी टी। ओमेगा डी क्या होता है? ओमेगा डी नथिंग, सिर्फ अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं, मैग्नीट्यूड की वैल्यू है। तो देखो वही कैलकुलेट किया हमने यहाँ पे, ओके अल्फा ये ओमेगा डी है बेसिकली, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ओमेगा डी यही आएगी। ओमेगा डी क्या आती है? अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर ये कितना आ रहा है? दिस √19। तो ओमेगा डी अपने पास 4.359 आ गई डायरेक्ट। तो बस तो इक्वेशन जी उसमें पुट करिए, अल्फा की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, ई की पावर माइनस अल्फा टी, अल्फा 9, ए वन कॉस ओमेगा डी टी, ओमेगा टी, ए टू साइन ओमेगा डी टी, ठीक है। ये ए वन और ए टू कंफ्यूज मत होना, एक कॉन्स्टेंट है, इसको आप चाहे एक्स वन और एक्स टू भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, मुझे इसको आइडेंटिफाई कैलकुलेट करना है। अब ये कहाँ से कैलकुलेट होंगे? ये कैलकुलेट होंगी हमारी इनिशियल कंडीशन से जो हमने कैलकुलेट की थी। क्या कैलकुलेट की थी? इनिशियली जब मेरा करंट टी इज इक्वल टू जीरो या लेस देन जीरो पे करंट कितना फ्लो कर रहा था? 1 एम्पियर। सिमिलरली वोल्टेज कितनी थी हमारी जीरो केस के अंदर? हमारी थी 6 वोल्ट जो हमने हाँ कैलकुलेट किए, है ना। ओके नाउ तो सबसे पहले इसके अंदर आप क्या पुट करोगे? इसके अंदर टी की वैल्यू जीरो पुट करो, टी की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ई की पावर जीरो क्या हो जाएगा? ये 1। ओके कॉस ऑफ जीरो, आई जीरो की वैल्यू कितनी आएगी? 1। कॉस ऑफ जीरो क्या होता है? यूनिटी। कॉस ऑफ जीरो क्या होता है? 1, तो ए वन बच गया। साइन ऑफ जीरो क्या होता है? जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो बच गया, तो अंदर क्या बचा? 1 इक्वल टू ए वन। तो ए वन के कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई, क्या है उसकी वैल्यू? 1, ठीक है। कहां से आई? इनिशियल कंडीशन से, टी इज इक्वल टू जीरो पे हमने पुट किया और आई नॉट, आई ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ गई? 1, बस ये वाला पुट किया। अब मुझे ए टू निकालना है, तो ए टू के लिए आप कुछ मत करो, सिंपल ये जो आपकी इक्वेशन दे रखी है इसके अंदर एक केवीएल लगा लो, ठीक है। लेट्स ड्रॉ अ केवीएल, तो मेरे को मिटाने दो। क्या आएगी? देखो यहां से अगर केवीएल लिखे तो माइनस वी, ओके ये माइनस वी प्लस आई इंटू आर, आर क्या है मेरी? 9 ओम। प्लस सपोज इसके अक्रॉस जो करंट है वो क्या लिखते हो? एल डी आई बाई डी टी प्लस एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाय डी टी इक्वल टू जीरो, यही तो लिखोगे, ओके। ये इक्वेशन मैंने कहाँ से आई? केवीएल से। अब मुझे बताओ मैं टी लेस देन जीरो पे इस इक्वेशन को लिखना चाहता हूँ, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी मुझे बताओ? आर माइनस वी ऑफ जीरो, मतलब वी ऑफ जीरो पे ये आ जाएगी आई ऑफ जीरो इंटू आर प्लस एल डी आई बाय डी टी जीरो इक्वल टू जीरो, यही बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ वी ऑफ जीरो की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 6 वोल्ट। आई ऑफ जीरो की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 1 एम्पियर। आर की वैल्यू आपको पता है? 9 ओम, ओके। एल की वैल्यू पता है आपको? 0.5 हेनरी। डी आई बाई डी टी आ जाएगी यहाँ से, डी आई बाई डी टी इनिशियल पे, तो बस मुझे यही निकालनी थी, यही मैंने कैलकुलेट कर ली यहाँ पे। देखो डी आई बाई डी टी टी जीरो पे मैंने कहाँ से की? केवीएल लगा के -6 एम्पियर पर सेकेंड आ गया, ओके। एक ये कंडीशन आ गई। अब मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करूंगा। देखो डी आई बाई डी टी तो है ये, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके टी की वैल्यू जीरो पुट कर दूंगा, क्योंकि डी आई बाई डी टी की वैल्यू मुझे पता है जीरो पे, ओके। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे आएगा? सिंपल देखो दो टर्म्स हैं, एक तो ये बाहर एक ये, तो कैसे कैलकुलेट करते हो? सबसे पहले आप इसको कांस्टेंट रखते हो अंदर वाले टर्म्स को, वन सेकेंड, ये जो अंदर वाले टर्म है इसको एज इट इज रख दिया। देखो ये यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, और e की पावर -90 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e की पावर -90 इनटू -9, देखो ये, ओके प्लस। अब क्या करोगे? इसको कांस्टेंट रखोगे और अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे, तो अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? सिंपल ए वन तो एज इट इज रहेगा, ओके। कॉस ओमेगा डी टी या कॉस 4.3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन, देखो माइनस, देखो माइनस आ गया, साइन दिस प्लस ए टू, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस दिस, और
में मल्टीप्लीकेशन में इन टू में क्या आ जाएगा, कॉस कॉन्स्टेंट टर्म मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में आती है 4.3592, देखो मल्टीप्लाई आ गई। बस अब आपको क्या करना है, टी की वैल्यू क्या पुट करनी है, जीरो। टी की वैल्यू जीरो पुट करो तो ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, -9। देखो इधर -9, कॉस ऑफ जीरो क्या हो जाता है 4.3592 इनटू जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, कॉस ऑफ जीरो वन, ए वन बच गया, माइनस साइन तो बाहर ही है, साइन ऑफ जीरो जीरो, प्लस अब यहाँ पे टी की पावर जीरो जीरो, ए वन हो गया, ये वन हो गया, ये 4.35 एज इट इज रहा, ये साइन ऑफ जीरो हट गया, ये तो माइनस जीरो, ये देखो, और ये कॉस ऑफ जीरो वन ए टू। अब मुझे बताओ ए वन की वैल्यू मुझे पता है कितनी है वन, ए टू की वैल्यू आ जाएगी, ए टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 0.6882, बस ये आ गई। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, हमारा रेस्पॉन्स आ गया, ये देखो e की पावर -90 cos दिस 0.6882 sin दो, दिस इज माय आउटपुट, सिंपल है। अगर आपने ये स्टेप जितने भी क्वेश्चन में आप सॉल्व करोगे बार बार तो आपको याद हो जाएगा कि अंडर डैम्ड है, ओवर डैम्ड है, ठीक है, बहुत सिंपल। अगर किसी को डाउट है इसमें इसमें कि भाई कोई स्टेप अगर आपको नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ सकता है इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी मैं इसको रिकॉर्डिंग को आज डाल दूंगा आपकी गूगल क्लासरूम के अंदर। ओके, समझ में आई इसको, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना ये क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बेसिकली ये कौन सा था, ये हमारी थी, देखो हम करेंगे सोर्स फ्री पैरेलल आरएलसी सर्किट, तो पैरेलल आरएलसी सर्किट के लिए हम इक्वेशंस निकालेंगे। ओके गुड, चलो गेट का क्वेश्चन कर लेते हैं, ये मैंने दिया था आपको। ओके, तो आंसर कैलकुलेट किया किसी ने, दिस ये तो हम कर चुके थे, ये वाला गेट 2015 में आया था, ये आपके क्या पूछा इसने फिगर, कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज, कैपेसिटर पहले से चार्ज नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डिस्क्राइब्स द करंट आई टी, ये करंट, ये करंट आई टी किसके थ्रू है, 2 किलो ओम। ओके, तो फॉर टी ग्रेटर देन जीरो के लिए करंट निकालो आई टी, क्या आना चाहिए बताओ, ए, वेरी गुड, आंसर इज ए, वेरी गुड। बाकी किसी को, बाकी को समझ में आया या फिर करके दिखाना है बताओ, बताओ भाई आगे चले या फिर इसको करके बताना है, प्लीज किसी को भी नहीं समझ में आया शर्माओ मत, क्योंकि फिर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके मिड टर्म में, तो आप अपने फ्रेंड से भी नहीं पूछ सकते, ऑप्शन नहीं मिलेगा वहां पे आपको, ये ध्यान रखना, पूरी स्टेप कैलकुलेट होगी और टाइम नहीं मिलने वाला बिल्कुल भी। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन पे चलता हूँ, नहीं समझ में आया तो इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बताओ एनीवन, सर एक्सप्लेन कर दो, चलो ठीक है, देखो आप ही करके बताओ मुझे इसको, है ना, एक सेकेंड, अब मुझे बताओ टी ग्रेटर देन जीरो पे इसने पूछा है, ठीक है, अब मुझे बताओ जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हमें क्या करना है, टी लेस देन जीरो पे सर्किट को बनाना है, ओके, टी लेस देन जीरो पे ये सर्किट आपको बनाना है। तो अब मुझे बताओ जब भी कैपेसिटर है, कैपेसिटर के केस में हम क्या लिखते हैं, कैपेसिटर के केस में हम वोल्टेज वी ऑफ टी निकालते हैं, वी ऑफ टी यानी वोल्टेज। तो अब वी ऑफ टी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, जब भी कैपेसिटर के क्रॉस फर्स्ट ऑर्डर का है ये तो मुझे पता है, तो वी ऑफ टी का फॉर्मूला याद है आपको, कौन सा लगना चाहिए बताओ मुझे, नहीं पता तो मैं बताता हूं, बताओ वी ऑफ टी का कौन सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कोई बता सकता है मुझे, एनीवन, V of T कैपेसिटर, ओके V इनफिनिटी प्लस V
वी ऑफ जीरो माइनस वी जीरो माइनस ओके गुड वी इनफिनिटी ओके ब्रैकेट क्लोज ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ गुड ओके। अब मुझे सिर्फ इसके अंदर क्या तीन चीजें निकालनी है, एक तो वी इनफिनिट निकालना है, एक वी ऑफ जीरो निकालना है, टाउ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले वी ऑफ जीरो निकालते हैं। वी ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, इनिशियल कंडीशन। ओके तो इनिशियल कंडीशन इसने क्या दे रखा है कि द कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज। अनचार्ज का मतलब वी ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, क्यू की वैल्यू जीरो है तो वी की वैल्यू क्या होगी, क्यू इज इक्वल टू सी वी वाले फॉर्मूले से मुझे बताओ कैपेसिटर की वैल्यू यानी सी चार्ज सॉरी क्यू की वैल्यू आपकी इनिशियली जीरो दे रखी है तो वोल्टेज की वैल्यू भी क्या आएगी जीरो। तो वी ऑफ जीरो हमारा क्या जीरो आ गया। गुड चलो अब मुझे क्या निकालना है, वी इनफाइनाइट। ओके वी इनफाइनाइट का मतलब स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर कैसा हो जाता है ये बताओ। ओपन ओके गुड ये ओपन सर्किट हो गया, ये टर्मिनल ए और बी हमारे ओपन सर्किट हो गए। अब ये ओपन सर्किट हो गए मतलब वीओ इनके अक्रॉस वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज किसके अक्रॉस है मुझे बताओ, 2 किलो ओम के अक्रॉस, ठीक है। तो मुझे बताओ वी इंफिनिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वोल्टेज डिवीजन रूल से लगा सकते हो आप, ये सर्किट ओपन हो गया तो करंट सिर्फ इतना ही फ्लो होगा, इधर तो जाएगा ही नहीं, तो मुझे बताओ और वीओ सी किसके अक्रॉस वोल्टेज है, 2 किलो ओम के अक्रॉस, तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हो आप, 5 × कितना है रेजिस्टेंस 2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है 3। तो हमारे पास वी इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 10/3। ओके समझ में आया इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब वी इनफाइनाइट को की वैल्यू लिख लेते हैं हम, यहाँ पे वी इनफाइनाइट कितना आया 10/3 प्लस ये क्या है वी जीरो जीरो हो गया उसको छोड़ो माइनस वी इंफिनिटी फिर से 10/3 और e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं टी 10/3 कॉमन आ गया मेरा और ब्रैकेट में क्या बचा 1 - e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ ये बन गया, ठीक है। दिस इज माय वोल्टेज, ये वोल्टेज किसके क्रॉस है मुझे बताओ, इस ये वीओटी किसके क्रॉस आ गई आपके कैपेसिटर के अक्रॉस। ओके ये हो गया। अब मुझे बताओ इसके अक्रॉस प्लस माइनस वीटी है और मुझे करंट किसके निकालना है, ये आई करंट किसमें 2 किलो ओम में, तो मुझे बताओ पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है सेम। अगर मैं करंट आई निकालना चाहता हूं तो ये आई क्या होगा मुझे बताओ, वी वोल्टेज अपॉन दैट रेजिस्टेंस। ओके तो वोल्टेज क्या है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है पैरेलल में, यही जो जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो हमने कैलकुलेट कर ली है। अगर इसको मैं रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा करंट आ जाएगा इसके थ्रू, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 2 किलो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा 5/3, ठीक है 5/3। तो ये तो ये ऑप्शन सही हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा टाउ, टाउ क्या होता है, टाउ होता है R × C। ओके R कैसे निकालते हो, कैपेसिटर को ओपन कर दो और जो भी थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है कैपेसिटर के अक्रॉस इसको ओपन कर दो, ये वाले टर्मिनल को ओपन कर दो और 5 जो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दो। ओके नाउ 1 और 2 किसमें आ गए पैरेलल में, तो 1 × 2 / 1+2 कितना होगा 3, तो 2/3 तो हमारा रेजिस्टेंस आ गया और सी कितनी वैल्यू कितनी है 1 दे रखी है, बस तो ये आ गया 2/3 मिली सेकेंड, क्योंकि ये 2/3 क्या है 10^3 और सी कितना है 10^-6 तो 10^-3 बचेगा, तो आंसर कौन सा है ए। कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछो भाई इसमें। ओके सर वी जीरो जीरो क्यों आया था, देखो वी ऑफ जीरो, देखो इसने क्वेश्चन में पढ़ो एक बार, आप क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसमें कि The capacitor is initially uncharged. Okay. Capacitor क्या है? Initially uncharged. तो uncharged है इसका मतलब Q की value. इसमें कोई charge नहीं है. तो अगर कोई भी capacitor के पास charge ही नहीं है, तो ये formula हम जानते हैं. Q is equal to CV. तो capacitor uncharged है, तो voltage भी नहीं होगी. यानी uncharged का मतलब उसके अंदर current ही flow नहीं कर रहा. ठीक है? तो initially voltage zero आ गई. हमें calculate करने की जरूरत नहीं होती.
बट अगर ये कोई स्विच दे रखा होता तब हम टी लेस देन जीरो पे इसको सर्किट को बनाते और फिर कैलकुलेट करते, बट क्वेश्चन में दे दिया तो कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज्ड, सो दैट्स व्हाई आवर इनिशियल वोल्टेज विल बी जीरो. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. ये इन द सर्किट शोन बिलो द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 2.5 मिली कूलम. ओके, ये देखो अब इनिशियल चार्ज दे दिया है मुझे, ये ध्यान रखने वाली चीज है इस क्वेश्चन के अंदर. ओके, इन द सर्किट शोन बिलो द इनिशियल चार्ज, यानी इनिशियल वोल्टेज निकल जाएगी यहाँ से कौन से फॉर्मूले से, क्यू इज इक्वल टू सी वी फॉर्मूले से. ओके, इन द सर्किट शोन बिलो द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 2.5 मिली कूलम विद द वोल्टेज पोलैरिटी एज इंडिकेटेड. वोल्टेज पोलैरिटी माइनस प्लस की तरह दे रखी है, ठीक है. द स्विच इज क्लोज एट टी इज इक्वल टू जीरो, ये स्विच मेरा ओपन था पहले, अब जैसे इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो पे क्लोज कर दिया, सर्किट कंप्लीट हो गया. द करंट आई टी एट ए टाइम टी आफ्टर द स्विच इज क्लोज इज, इसमें करंट निकालना है आई टी, डायरेक्शन देखो करंट की आई टी, ये ध्यान रखने वाली चीज है, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है. कैलकुलेट करो भाई क्या आएगा आज का आंसर, फटाफट सिंपल. गेट 2016 में आया हो क्वेश्चन का, देखो एक चीज हिंट याद रखना, जब भी कैपेसिटर दे रखा हो तो हमेशा बिना सोचे फर्स्ट ऑर्डर है तो वी वाला लगा लो, अगर इंडक्टर दे रखा है तो आई ऑफ टी वाला लगा लो, बस सिंपल आपको एक फॉर्मूला लगाना है, वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी इनफाइनाइट प्लस, ये तो रट लो आप, ब्रैकेट वी ऑफ सॉरी V of 0 minus V of infinite e to the power minus t upon tau. बस ओके, देखो tau तो सिंपल आ जाएगा, tau क्या होगा R into C, वो तो दे रखा है, R कितना दे रखा है आपका 10 और सी कितना दे रखा है 50 इंटू 10 इंटू 50, ओके 10 ओम है, ये 10 की पावर माइनस 6 आ जाएगा यहाँ से कैपेसिटर. ओके, अब ये इसमें दे रखा है e की पावर माइनस t अपॉन टाउ होता है, तो ये 1 अपॉन टाउ की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, अगर इसमें पुट करो e की पावर माइनस t अपॉन टाउ, तो टाउ कितना हो जाएगा यहाँ से 500 इंटू 10 की पावर माइनस सिक्स, को रीअरेंज करो ऊपर की तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा, क्योंकि 10 की पावर माइनस सिक्स ऊपर जाएगा तो 10 की पावर सिक्स बच जाएगा, और ये बन जाएगा की पावर माइनस टू इंटू 10 की पावर थ्री, तो ये वाला पार्ट तो आ ही गया, मुझे तो ये निकालना है. लेट्स सी, डी नहीं, डी नहीं आ रहा, माइनस नहीं, एनीवन डी नहीं, नहीं डी नहीं आ रहा, चलो करते सर ए ए, गुड वेरी गुड, ए आंसर आ रहा है, वेरी गुड. देखो करोगे क्या, सबसे पहले मुझे आप बताओ वी जीरो क्या आएगा, बताओ वी ऑफ जीरो की वैल्यू आई किसी की, ये मुझे बताओ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ऑफ जीरो, माइनस 50 वोल्ट, कैसे वी ऑफ जीरो का मतलब होता है, देखो Q इज इक्वल टू सी वी होता है. ओके, तो V की वैल्यू आपका Q दे रखा कितना दे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 दे रखा है, और C की वैल्यू दे रखी है आपको 50 इंटू 10 की पावर माइनस 6,
इंटू वी, तो यहां से वी निकल जाएगा। ओके तो ये कितना निकला है? 50 वोल्ट। गुड, चलो तो वी हमारा 50 वोल्ट निकल गया। ओके अब मुझे वी इंफाइनाइट निकालना है, ठीक है, इसको मिटाते हैं। ओके वी इंफाइनाइट के लिए क्या करोगे आप? ये वी इंफाइनाइट का मतलब टी ग्रेटर देन 0 पे सर्किट क्या हो जाएगा? क्लोज। ये सर्किट हो गया मेरा क्लोज। और कैपेसिटर को क्या करोगे आप? कैपेसिटर क्या हो जाएगा? ओपन। वेरी गुड, स्टेडी स्टेट पे, वी इनफाइनाइट पे। तो अब मुझे बताओ वी इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आएगी, ये बताओ इस सर्किट से। 100। देखो यही सब गलती करते हो, 100 नहीं आएगी, -100 आएगी। क्यों? देखो साइन देखो इसमें दे रखा है माइनस प्लस, ठीक है, और ये ही पैरेलल किसके क्रॉस वोल्टेज, देखो प्लस माइनस, अगर इसमें आप केवीएल लगाओगे तो भी ये वी इंफाइनाइट की वैल्यू कितनी आएगी? -100 आएगी कि नहीं आएगी? अगर ये माइनस और प्लस होता, ठीक है, ये सर्किट कैसे बन जाएगा? देखो ये सर्किट ऐसा बन जाएगा, ये प्लस माइनस 100 बताओ। अब वी इंफिनिटी की वैल्यू कितनी है? माइनस प्लस है ये, और ये प्लस माइनस है, तो वी इंफिनिटी की वैल्यू कितनी आई? तो यहाँ गलती कर रहे थे, देखो कंफ्यूज मत होना, ये 10 ओम का तो कोई काम का ही नहीं आना, करंट फ्लो करेगा नहीं इसमें, तो आप डायरेक्ट सर्किट हमारा ये रिड्यूस हो जाएगा। आप 10 ओम रखो तो भी कोई मतलब नहीं है। अब इसमें केवीएल लगाओगे तो भी क्या आएगा? -100 माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, तो वी इंफिनिटी कितना आ जाएगा? -100। ओके बस अब आपको इसमें पुट करना है। तो इसके अंदर आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? वी इंफिनिटी कितनी आ जाएगी? -100 प्लस, ओके, और वी ऑफ जीरो हमें पता है कितना है? 50। गुड, माइनस, और वी इंफिनिटी फिर से कितना आ गया? माइनस ऑफ 100, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो अंदर क्या बच जाएगा आपका आंसर आ जाएगा -100 प्लस 150 ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, यही आया। ओके तो ये तो क्या आया, ये अपनी वी टी आ गई। VT किसके अक्रॉस वोल्टेज आई? इसके अक्रॉस। अब मुझे करंट निकालना है। ओके डायरेक्शन देखना इसका, साइन माइनस प्लस। अब करंट क्या जा रहा है? इसके अंदर जा रहा है, तो करंट का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, क्योंकि मुझे करंट निकालना है। ओके सही है। अब मुझे बताओ I इज इक्वल टू सी बाई डी टी, यानी इसको डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये I इज इक्वल टू सी डी बाई डी टी आएगा या माइनस सी डी बाई डी टी आएगा, ये बताओ। माइनस सी आई डी टी या फिर प्लस सी आई डी बाई डी टी, ये बताओ। अब देखो ये सर्किट आपके पास और करंट ये I है, ओके ये करंट I है और इसके क्रॉस वोल्टेज है ये, और जिसकी माइनस प्लस की साइन दे रखे हैं, हम ये पैसिव साइन कन्वेंशन पढ़ चुके हैं, देखो याद रखो अगर याद है तो। ये कैपेसिटर था, ये प्लस है और ये माइनस है, और ये अक्रॉस इसके अक्रॉस वोल्टेज है, और यहाँ से इसके अंदर अगर करंट एंटर कर रहा है आई, तो अगर आई करंट पॉजिटिव में एंटर करता है तब प्लस सी डी बाई डी टी आता है, बट ये तो कहाँ एंटर कर रहा है? नेगेटिव में, तो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस सी डी बाई डी टी। ओके समझ में आया?
देखो तो छोटी छोटी चीजें ही क्वेश्चन को गेट वाला गेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही करते हैं, वो क्या छोटी सी हर एक स्टेप के अंदर वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। और खासकर ये प्लस डी प्लस सी डी यू बाई डी टी आएगा या प्लस एल डी आई बाई डी टी आएगा या माइनस एल डी बाई डी टी आएगा, समझ में? तो कंफ्यूजन तो नहीं किसी को आई इज इक्वल टू क्या आएगा? आप तो बस पैसिव साइन कन्वेंशन याद रखो, अगर पॉजिटिव में एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव में एंटर कर रहा है तो नेगेटिव, ओके। तो ये तो ये करंट कहाँ एंटर कर रहा है, देखो डायरेक्शन इसने गिवन दे रखी है, तो माइनस सी ओ डी टी। तो अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, पहले डिफरेंशिएट तो कर लो, डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो प्लस 150 एज इट इज रहेगा इंटू ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर माइनस एक्स वही, और ई की पावर माइनस टाउ इंटू ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस एक्स माइनस वन, तो ये माइनस वन अपॉन टाउ आ जाएगा, ठीक है, माइनस वन अपॉन टाउ। तो ये तो आया vt का, dv by dt आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, माइनस सी से, तो माइनस सी से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और टाउ की वैल्यू क्या होती है, टाउ की वैल्यू होती है rc, ये मेरा rc है, और मल्टीप्लाई इसको अगर हम c से करेंगे तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r से डिवाइड करना है, r के फिगर की 10, तो 10 को अगर इसे डिवाइड करोगे 150 को 10 से तो 15 आ जाएगा, देखो ये रहा 15 e की पावर माइनस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। किसी को पूछना है तो पूछो इसमें, अब क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो नीचे वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है। ए बी सी डी ऑप्शन है आपके पास, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्लास एंड करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ 1 सेकेंड, और किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है अभी। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।